हेलो जी, सत श्रीकाल ते अस्सलाम वालेकुम। सारे खबरदार दी वीडियोज़ नूं इन्ना सारा प्यार देने लई इन्ना सारा थैंक यू ते तुहानूं वेलकम, खुशामदीद ते स्वागत। प्रीत बानी रिएक्ट्स ते तुसी बड़ा मजा आया कल दे कमेंट्स पढ़ के वीडियो ते के तुहानूं मैं ओही कह रहा खबरदार बहुत पसंद आ रही है सारे। हां, वीडियो वीडियो तां अच्छी लगी पर बैकग्राउंड भी अच्छा लगे। एक भाजी ने कमेंट कीता के भाजी खर्चा करा लिया। खर्चा नहीं भाजी, घर दी पई चीज नूं ही वरत लिया बस, ऐ समझ लो। ते होप करदे आ कि तुहानूं मतलब कुछ चेंज वधिया लग रिहा होएगा। ते खैर उसे फन और उसे एंटरटेनमेंट नू एंजॉय करने आ आज फिर एक वारी होर ते वीडियो है कि खबरदार दी। एंड ऑफ कोर्स वीडियो दा टाइटल जो है किताब और लोग दिल जले की पिक्चर है। आज दिल जले, आज अमरीश पुरी होंगे, आज अजय देवगन होंगे, आज डायलॉग होंगे, आज पिक्चर की स्क्रिप्ट कहानियां होंगी ते विच पॉलिटिक्स ऑफ कोर्स होगी। देखते हैं दूसरे पास से मिलते हैं ते पूरी अस्सलाम वालेकुम। खबर आर में खुश आमदेद, मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। वतीनो हज़रात, आज शो का आगाज करेंगे अपने सेगमेंट फिल्म किताब और लोग से। और आज की फिल्म है मिड 90s की सुपरहिट मूवी दिल जले। आपकी मुलाकात डमी म्यूजियम से आई पूरी कास्ट से करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले फिल्म का म्यूजिशियन और हेरोइन। वाह 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 वाह, आग लगा दी, आग लगा दी आपका भाई, आपके संदाज़े बयान ने आग लगा दी। वाह, ये अनु मलिक साहब है। आपका पूरा नाम अनवर सरदार मलिक है। आपने तकरीबन 350 फिल्मों का म्यूजिक दिया, एक बहुत बड़े टीवी शो इंडियन आइडल का हिस्सा भी रहे। आपके साथ मौजूद है सोनाली बेंद्रे, इस फिल्म में इनका कैरेक्टर राधिका का है। वाह 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 वाह, सलाम ठोकता हूँ आफ्ताब जी, सलाम। तो तेरी आंखों में डूब के पर्वत को छू जाऊं, तेरी आंखों में डूब के पर्वत को छू जाऊं, तू माने ना माने मैं फिर भी तेरा हो जाऊं। वाह 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 वाह, ये तो आपने फॉर्मेलिटी याद दी। की करते पे हो जाने मौला जार दे। वाह वाह। अच्छा, ये स्टोरी का एक अहम कैरेक्टर शबनम है और अदाकारा मधु ने ये रोल किया। शाका, मैं तेरे ना प्यार कर लिया शाका। अरे कबकल, वो शाका नहीं, ये है शाका। अच्छा जी, अमरेश पुरी बहुत बड़ा कैरेक्टर दारा का, एक बड़ा नेगेटिव कैरेक्टर लेकिन बहुत शानदार परफॉर्मेंस। क्या बात है अमरेश पुरी की, क्या हाल है आपका? दिल जले। अरे ओ लाले, यहाँ तो सभी दिल जले है। जश्न का इंतजाम हो। क्यों बनाते हो तुम ये रेत के महल, जिनको एक रोज खुद ही गिराओगी तुम। आज कहती हो दिल जले से प्यार है तुम्हें, अजय देवगन, कल मेरा नाम तक भूल जाओगी तुम। बाजी की कोई प्रेम कहानी नहीं होती। यार ये घड़ा तो रख देना। नहीं, घड़ा नहीं रखना था, ये तो कंटिन्यूटी। अरे आफ्ताब साहब, ये तो हमारा मेन प्रॉप है। मैं सेकंड हीरोइन बननी सी, अल्लाह से मैं दाने पुनने वाली लगन नहीं। तुम पुल्ली लग रहे हो है ना, मैं तो अल्लाह से रेलवे का खुसरा लग रहे हैं। मोहब्बत झूठ है, कहानी है, मोहब्बत का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल कभी किसी से लगाना नहीं। वाह वाह, ओ लाले, यहाँ सभी दिल जले हैं। कह रहा हूँ लाले। राधिका का कैरेक्टर कर रही हैं सोनाली, कैसा लगा आपको इस फिल्म में काम करना? बहुत अच्छा लगा आफ्ताब साहब। अच्छा जी, ये दोनों क्लास फेलोज थे? मैं तो नहीं नहीं, ये दरमियान में है जो शाम टूटी कर और राधिका, दोनों में मोहब्बत होगी। ये बेचारा बहुत गरीब था, उसने प्रपोज किया, राधिका ने अपने बाप से बात की, बाप इसका परले दर्जे का कमीना घटिया और चालबाज शख्स, उसने सोचा कि एक गरीब लड़का है कैसे केयर करेगा मेरी बेटी की। बजाहिर तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसे फ्रेम नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए था। इसने उन्हें चकमा दिया कि जी बिल्कुल ठीक है, मेरे लिए काबिल कबूल है, लेकिन एक्चुअली उसकी बेइज्जती की, उसको जलीलो रुस्वा किया, उसके बाप पर इल्जाम लगा के उसको जेल में डाला, गद्दारी का इल्जाम था, वो जेल में ही मर गया। शाम ने उससे इंतकाम लेने की ठानी, क्योंकि उसको पता था कि इसका बाप नहायत चालबाज आदमी है, और उसने सहारा लिया आतंकवादियों के एक गिरोह का। अच्छा। जिनका सरदार दारा, अमरीश पुरी, बहुत शानदार एक्टर इस पूरी फिल्म का, परहैप्स नंबर 1 एक्टर। और इस फिल्म के डायलॉग्स
इस फिल्म की बातें जितनी मशहूर हुई सारी की सारी केम फ्रॉम दारा। दिल जले, दिल जले, बस यही सारी की सारी है। दिल जले एक यही है और दिल जले दो। डायलॉग भी बड़े बड़े अच्छे बोले। अच्छा ये लड़की एक सितम रसीदा बेचारी हवादिस जमाना का शिकार इसी गिरोह में पनाह हासिल करके बैठी है और जब वो बतौर टेररिस्ट इसमें शामिल होता है तो शी फॉल्स इन लव विद हिम। वो इसको इसलिए मुंह नहीं लगाता कि उसके साथ मोहब्बत ने एक दफा बड़ा हाथ किया था। वो ये समझता है कि राधिका भी अपने बाप की मर्जी में शामिल है। अच्छा चुनांचे गुस्से में ये एक अजीबोगरीब कैरेक्टर बन जाता है। क्या अजय देवगन ने ये रोल किया और बदकिस्मती उन दो तीन एक्टर्स की जो अवेलेबल नहीं थे, सलमान खान था, अक्षय था, दोनों अवेलेबल नहीं थे, थर्ड चॉइस मौसूफ थे एंड एक्चुअली ही शुड हैव बीन द फर्स्ट चॉइस, ही वाज कट आउट फॉर दिस रोल। और बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। ये उस लड़की को एक फासले पे रखता है, वो इसकी मोहब्बत में पागल है। अपनी मोहब्बत को बर्बाद होते देख कर इस बात से कन्विंस होके कि उसने मुझे घास नहीं डालनी, अच्छा वो उसकी गलत फहमी रफा करती है। ये कहानी सुनाती है राधिका को कि तुम्हारे बाप ने फ्रॉडुलेंटली उसको जलीलो रुस्वा किया, उसके बाप को भी मारा जेल में और तुम्हें भी उसने धोखा दिया। असल में वो तुम्ही से मोहब्बत करता था, है और आइंदा भी करता रहेगा। चुनांचे ये फिर आपस में मिल जाते हैं और एक इंतहाई ड्रामाई सूरत हाल में वो जान बचाता है मेन टेररिस्ट की। क्या बात। यहां पर आके इसका नाम शाका है, पहले शाम अब शाका। तो शाका इंतहाई ड्रामाई हालात में जान बचाता है दारा की। दारा इस एहसान का बदला चुकाने के लिए अपने आप को गिरोह समेत पुलिस के हवाले कर देता है। इसको क्रॉस फायर लगता है इस लड़की को, भाई मेरी गल हो रही। हाँ जी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर ये मरी नहीं, हमारी ख्वाहिशात के बरक्स ये बच गई और इन दोनों की फिर शादी होगी। फिल्म को कोई अवार्ड नहीं मिला, अलबत्ता इनके गाने को ना सिर्फ अवार्ड मिला, शोहरत दवाम मिली। वाह 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 वाह, एक नाक और दो कान, एक नाक और दो कान, आपका भाई है नंबर वन। वाह 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 वाह, आगे ला दिया, आगे ला दिया, आगे ला। मेरा मुल्क मेरा देश, ये इनका एक बड़ा हिट गाना था जो बाद में उकदा खुला कि इन्होंने चोरी किया है। अपुन मैं चोरी किया जी, मेरी अपनी भाई, मेरी अपनी कंपोजिशन है। आपने इसराइल का कौमी तराना भी कंपोज किया हुआ है? तो मैं नहीं किया हूं, वो लोग मेरे को चुराए हैं। कमाल कर रहे हैं आप, ये कौमी तराना कई साल पहले का है। भाई ये चमत्कार हो गया, फिर चमत्कार हो गया। टोक्यो ओलंपिक्स में जब ये तराना लगा सबने कहा ये तो अनु मलिक की कंपोजिशन है। बाद में पता चला अनु मलिक का सरका है, खांचा है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। क्या? हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी किश्ती डूबी थी वहां, मेरी कश्ती। अरे ये किश्ती बोल रहा है डॉक्टर जिवागो का बच्चा। वैसे गेटअप इसका डॉक्टर जिवागो वाला ही है। लॉन्ग शूज, लॉन्ग कोट, बियर्ड, बोरिस पास्टरनाक का कैरेक्टर लग रहा है। पूरी फिल्म दे वेचे जिवागो ने मेनु मुंह नहीं लाया। अरे शाका, पहली गलती मेरा नाम ही नहीं है इस फिल्म च, सही शबनम। मेरा रोल नु फिल करदा पूरे रोल च। साडी शबनम सी ना उर्दू फिल्मा दी, जिनू साह दी बीमारी सी। अच्छा जी, ये तकरीबन 5.5 करोड़ की लागत से बनी। अच्छा जी। और 18.5 करोड़ इसने बॉक्स ऑफिस पे बनाया। दैट मींस इट वाज अ ग्रेट सक्सेस ऑन द बॉक्स ऑफिस एंड इट वाज अ सुपर हिट मूवी। ओदों केस्टा छाप दिया सी फिल्मां दिया, हुण ते यूपीएस आ गए ना छोटे छोटे। यूपीएस क्या होता है? यूएसबी। वही कार्ड छोटे छोटे आ गए साडे ते, केस्टा पता नहीं किन्नी लाख केस्टा छपियां इहदियां ऐ पिंडां सारां सारे पासे फिल्म चली। उकाड़े साहिवाल दीपालपुर हिट सी फिल्म, उत्थे ते केस्टा गर्मी च पईयां पईयां इस तरह हो जांदियां। बहुत हिट फिल्म सी, मेरा रोल बहुत लोगों ने पसंद किया, नाले मेरा गाना सी जिहड़ा आइटम तो। शबनम ये मटका पकड़ ले, मेरे हाथ थक रहे हैं। ये तेरी कंडी नूटी है, फाड़ उतरिया हुण। और पीछे रख दो वहां पे। नहीं रखना नहीं है, कंटिन्यू नूटी चुक के रख। अच्छा वैसे तुहानू इस फिल्म च केड़ी शै पसंद आई? शाम है धुआं धुआं, वही शाम है धुआं धुआं। ये सारी बेहूदगी इसी गाने में होती है, सिर्फ अस्थाई सुनी है। लेकिन ये जो हरकत है ना, अगर ये भी उसका हिस्सा है तो फिर मैं अपनी राय वापस लेता हूँ। उलझी उलझी सांसों में
कह रहा है आरज़ू की दास्तां। ए साला सारियां कुड़ियां आलियां रखदा करदा जशन का इंतजाम हो। अच्छा दारा के कैरेक्टर के लिए एक और एक्टर था रजा मुराद। अच्छा ये बड़े उन्हें कहा गया कि आप ये रोल करें। Somehow he was not available. और फिर कितना बड़ा अदाकार बिला शुबा अमरीश पुरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा विलन। बेशक फिर सुनील शेट्टी से भी कहा गया एक रोल के लिए। मेजर का रोल था इसमें, फौजी था। उसने कहा मैं तो ऐसा ही रोल कर रहा हूँ ऑलरेडी बॉर्डर में। बॉर्डर उन दिनों बन रही थी। बॉर्डर वाज अ गुड मूवी। संदेश से आते हैं। अच्छा जी शक्ति कपूर जो राजा साहब का कैरेक्टर कर रहे हैं बुलाइए जी उन्हें। आफ्ताब साहब क्या हाल है? आप हैं वो मीन इंसान जिन्होंने इनकी मोहब्बत का कत्ल करने की कोशिश की। क्या बात कर रहे हैं आफ्ताब साहब, मैं मिनिस्टर हूं इधर का। तो इसने मेरी बेटी को बरगलाया है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी इससे शादी करे। तुम्हें पता है जो ये फिल्म आई मैं तो बबू राणा साहिवाल ड्रामा कर रहे थे। शबनम जी इस फिल्म के अलावा आप दोनों की जोड़ी एक और फिल्म में भी हिट हुई थी। हाँ मुझे याद है फूल और कांटे में। जिगर फिल्म देखी मेरी? मैंने नहीं देखी भाई, मैंने नहीं देखी। मेरी उस्ताद शिगिर्द देखी सराय की फिल्म। कौन सी सराय की? उस्ताद शाहद अजाज चंदे की फिल्म। उस्ताद शाहद अजाज चंदा। अजाज चंदा साहब चांदगारी लेके जाते थे सारे थिएटर तो उठा के। और सर पैसे कुछ भी नहीं देते थे, कहते थे यही काफी है कि आपको काम करवा। पिंडो रोटी आती थी साड़ी पूरा पिंड फनकार वेखण दे चक्कर रोटी किसी के घरों दो रोटियां चार। नहीं सीरियसली सालना पूरा मैं नहीं मानता झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ कॉमेडी कर रहे हैं। कॉमेडी होगी पाजी तोड़ियां जुतियां साडा सिर। सच्ची बात है मैंने भी काम किया। जा चंदा साहब ने घोड़िया के शॉट लेने सी, उन्होंने सच्ची बूजी के चौरी के घोड़े लियाते सानू। बस घोड़े से बैठे घोड़ा रुक गया, मुंह छिले गए, दरख्तों च बढ़ गया। फिल्म कर फिल्म होगी फिर असी लारी एडे उड़े आके 10 दिन मंगे आए। उस तो बाद उस्ताद अजहर मलिक साहब ने मैंने फिल्म कराई, मैंने मुल्को बाहर लेके गए चढ़ाले। शाह चौधरी का नाम सुनिया तुसी? ओ शाह चौधरी आरफ वाले नीलम थिएटर का प्रोड्यूसर। वो दिन दे पैर साड़ के खेस भी पकवाउंदा सी मोढ़िया ते रख के आरफ वाले दे पिंडां च असीं खेस वेचने जा। साले ने जदों पैसे देने हुंदे सी सानूं अपनी दुकान ते लै जांदा सी, उहदा कॉस्मेटिक दा काम सी। एवें साडे अगे वधिया वधिया परफ्यूम रख रहे क्रीमां रख रहे असी कहना हरे सानू दे रहा कहते नहीं जाओ वेच के आओ ना कर रहा। फिर असी फिर वेची दे सन कहां पे पिंडां दे चौरियां नू जाके एवें कहिंदा सी ए शरनैल ए शरनैल। उन्होंने उन्होंने जिंदगी च पहली बार सुनिया था सी शरनैल शरनैल। अभी तुसीं पुछदे उन्होंने पहली बार सुनिया यार लांदे किन्ने दा आई असी 30 रुपया दा शरनैल वेच के। अरे शरनैल पिछे साडी 5 रुपए प्रॉफिट हुंदी सी। मैं ते इक वारी 12 शरनैल वेचे मैनू टुन जहा पलू लभ गया सी। मैं उदो कुड़ी दा गेटअप कीता सी। यकीन करो उस तो बाद सानू ने रंग गोरा करन वाली क्रीमां दित्तियां, असी एक पूरा पिंड चिट्टा करता। एक दिन भाजी उन्हें सानू किन्ने बारे पैंपर चुकाते कहिंदा वेच के आओ डायपर। भाजी उन्हें चुकाते सानू एक दिन पूरी रेहड़ी भर के फर गया जी। असी पिंडां च वादां ला रहे बच्चियां दीआं केसिंगां लै लो बच्चियां दीआं केसिंगां लै लो। एक पिंड ने दो डायपर लै के सिर ते पा लिया। वो समझदार है पता नहीं मास्क ने। मैं गोशी औंतरिया तू भी तो नाल सी दस गुजरात सिनेमे रोज दे 50 रुपए लेंदे सी असी। चौड़ियां दा थिएटर भाजी चौड़ियां दा थिएटर नाल बोर्ड लिखने भी ने ते बोर्ड बनने भी ने खंभिया ते चढ़ के बुराने ने खंभे ते चढ़ जाना नाल डोरी फड़ी नाल एक बोर्ड। सब नू 10-10 रुपए देने नवी कापी लैके आनी उन्होंने घरों पता ढाड़ी है इन्होंने नवी वेख के मर जाना। यार मैं किधर था उस वक्त? सी उस टाइम न्यूयॉर्क दी बिल्डिंगा देख रहा सी इथे किताब रख के ओदो पता भी तस्वीर किवें लवानी किड्डा चला के वाह वाह किड्डा चला। असि भाई जदों असि गए एक बार रावलपिंडी नाज थिएटर च ओथे बब्बू दीयां गल्लां ते एक बंदा हसी जाए मैं कहवा पता नहीं मैं हेटे ओ साला पागल सी। अरे तैनूं याद है क्या मुल्तान पापड़ थिएटर ओथे शेख साहब जिहड़े प्रोड्यूसर ने एक नईम साहब एक नईम साहब ये आदमी ने
उन्होंने मैंने 5000 हफ्ते से बुलाया नाल सैंडविच रिहायश दी उस सैंडविच आया सी सारी रात सारी रात मैं सैंडविच के बाहर फिरता रहा रोज मैंने जिन चुके लाए जो तरह थक जान छड़ जान मैं प्रोड्यूसर तो बहुत ही पेमेंट जिन्ना ने दी ढंग दे एक एस एच ओ ने सानू फड़ लिया यकीन करो तस्वीर महल थिएटर टाइटैनिक जिड्डा सिनेमा दो 3000 पेंडू बैठा कमीजा ला के नाल कुत्ते भाए बतखां बैठियां कुत्ता बन्निया ते ड्रामा लगा मेरी हर पंच ते खोता बोल पवे आवाम ने मेरी ते खोते दी कन्वर्सेशन दा बहुत मजा लिया और प्रोड्यूसर ने खोते नूं पेमेंट दित्ती मैनूं नहीं दित्ती खोता हिट हो गया कहानी तो ज्यादा ना जेड़ी दिल जले दी कहानी तो ज्यादा बब्बू राणा साहब ने जेड़ी अपनी कहानी सुनाई है ना मैनू ओह हिट लगी ज्यादा यार दिल जले तो रह गई पिछे डिटेलिंग किन्नी प्यारी अमरीश पुरी साहब की मिमिक्री बहुत अच्छी बहुत अच्छी इनफैक्ट मिमिक्री बहुत चंगी कर देने यार और मकबूल साहब ने भी बड़ी सोहनी की अनु मलिक दी और वो बड़ा अच्छा किया उन्होंने ते बाकी जो पुन्नू साहब वो यार उन्होंने ना गल्ला ही मैनू बहुत पसंद है उन्हों का एक्सेंट ते टोन मैनू इन्ने कोई जच गई है ना कि वो अपने मुँह चो कुछ भी बोल देना वो ऐ लगता है कि बस ये पंच लाइन ही है वीडियो बनाए मतलब एक होंगी ना एक बंदे दी कैरेक्टर इमेज बन जाती है दिमाग ओदा ही बब्बू राणा पाजी भी जो उन्होंने कुड़ी का गेटअप लैना मधु का गेटअप बड़ा सोहना बिंदी में चला के टिक्का जा लाया सी कि हाँ भी उदा गेटअप लैना बड़ा उदा दा आउटफिट उन्होंने बनाया है ना मतलब गल्ला बहुत अच्छी की उन्होंने आखिरी जी अपनी पूरी स्टेज दी दसी उन्होंने गल्ला कि भाई इदा इदा होंदा पुराने टाइम दे विच एक्चुअली इदा होंदा सीगा क्योंकि असं बाकी जो स्टेज आर्टिस्ट ने ना पुराने पुराने उन्होंने जो आप पुराने इंटरव्यू सुनते हैं तो उही कहते हैं कि भाई किसी को 5 रुपए मिलते हैं किसी को 10 रुपए मिलते हैं किसी को कुछ मिलता ही नहीं सो इट वॉज द टाइम बहुत पुराना टाइम है जो काम करना ही वड्डी गल सी पैसे तो होंगे ही नहीं तो उस टाइम की कहानियां ने और फनी ने उस वेले सानू लगदियां ने कि बहुत बुरा टाइम चल रहा है बट जो तुम सक्सैसफुल हो जाने हो फिर वो चीज़ें पिछे मुड़ के देख दो फिर तुम उन्होंने गलों से हसते भी हो यही जिंदगी है एंड आई थिंक वीडियो के नाल नाल मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करना और उस एक्सपीरियंस नू इंजॉय करना इन्ने हजारा करोड़ा लोगों के सामने उस एक्सपीरियंस नू लिया के तुम इंजॉय भी करना है ना कि भावें तोड़ा वो जिदा कह रहे कि मतलब बिल्कुल ही किसी बंद का बिल्कुल ही माड़ा टाइम होंगे खाने को दो दो दिन रोटी नहीं मिलती पैसे नहीं मिलते डायरेक्टर प्रोड्यूसर तनखावा मार जाते लोगों है ना मतलब एक वो फेज होंदा किसी दे कोल पक्का मकान नहीं होंदा पक्की छत नहीं होंदी रहन नू पर मुंह ही पक्का होंदा है ते मतलब कह लो कि अपने टैलेंट दे नाल नाल जेड़े बंदे अज तक इस मुकाम ते पहुंचे ने वो अपने ही वर्क नू इन्ना अप्रीशिएट करके इन्नी सारी दुनिया नाल हस रहे ने और हसा रहे ने ते वो डिजर्व करदे इस चीज नू क्योंकि वो अज खड़े है वो अपनी पुरानी गल्लां लोगों नू याद करा के उन्होंने दस के हसा रहे हो डिजर्व करदे है क्योंकि उन्होंने वो टाइम लंघाया असी नहीं लंघाया उन्होंने औखा टाइम देखिया असी नहीं देखिया सो मैनू अज तक हमेशा यही सीगा कि ओदा नाम अनु मलिक ही है बट मतलब बड़ा सरप्राइजिंग है पूरा ना जान के जेड़े कैरेक्टर ने सोनाली बेंद्रे भी बन के बैठे सी बड़े सोहने लग रहे सी ए ओही है ना जेड़ी ओ बन के आंदी है पठान गुल केड़ी तुसी नाम दसना कैरेक्टर दा केड़ा नाम है ओ कोई ना ओ कोई पठान कैरेक्टर बन के आंदी है बानो बानो केड़ी बानो पता नहीं मैनू कोई बानो बन के आंदी है ते मतलब बहुत वधिया सी अच्छा एस वी एस गुलबानो 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 आई है आ गई है ऐसे करके बड़ा अच्छा बोल दी हां इनदी आवाज बड़ी प्यारी है मैं गाना भी गांदे रहे हैं
उकाशा दे नाल देखी है किसी एक अद्धी वीडियो दे विच ते मतलब बड़ा अच्छा लगया अज दी वीडियो देख के। इस वीडियो दे विच गुलशन ग्रोवर मिसिंग सी, शक्तिर कपूर भी वधिया उनादी जे मिमिक्री आंदी ते होर डबल हो जाना बिल्कुल। ते होप करदे गाइस कि तुहानू ए जो वीडियो है पसंद आएगी, ते जे तुहानू ए वीडियो अच्छी लगी ते प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दियो। ते हाल फिलहाल सानू तो इजाजत लेके हाजिर होने अगली वीडियो। अपने ध्यान रखो, खुश रहो, सेहतमंद रहो, तंदुरुस्त रहो, दुआ में सानू याद रखो, असीं तुहानू याद रखांगे। ना दिल जलाए ना दिल जलाओ, ते खुश रहो ते तंदुरुस्त रहो। मिलने अगली वीडियो में, ते तद तक लई सत श्री अकाल। अच्छा हो गया, सब हो गया, सब हो गया ये। सत श्री अकाल ते खुदा हाफिज़।